वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स एग्जाम्स एकदम सर पे आ चुके हैं सो हेयर आर यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं प्रीवियस सिक्स टू सेवन ईयर्स से लिए हैं मैंने जो पेपर्स आए हैं अब पैटर्न चेंज हो गया है बट क्वेश्चन और टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे ना सो नाउ हेयर आर सम क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट के टॉपिक थोड़े लॉन्ग के टॉपिक सो so, अभी यूनिट वन और टू का मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसने लिंक देखा फटाक से देख लेना बस वीडियो ओवर होते ही ठीक है ठीके? अभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट थ्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है यूनिट थ्री में है क्या सिलेक्शन है डायरेक्टिंग है और मोटिवेशन है ठीक है ये यूनिट थ्री में ये सब चीज़ें अब सिलेक्शन में परफॉर्मेंस अप्रेजल ठीक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड वी हैव रिक्रूटमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स ठीक है तो इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल का शॉर्ट नोट कई बार पूछा गया है 2016 में भी 17 में भी और 18 में भी लगातार तीन साल तक ठीक है और डायरेक्टिंग पे शॉर्ट नोट 2017 में आया था ठीक है डायरेक्टिंग hmm. के एस्पेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स ठीक 2019 में आया था मास्लो की नीड हरार थ्योरी 2019 के शॉर्ट में आई थी और लॉन्ग में तो कई बार आ चुकी है तो मैसलो की नीड हरार की थ्योरी हैंसबर्ग की टू फैक्टर की मोटिवेशन थ्योरी और थ्योरी एक्स वाई तीनों थ्योरीज बहुत ज़्यादा टिप्स ट्रिक्स के साथ पढ़ाई हैं आएंगी जरूर तीनों में से कोई एक तो ज़रूर आएगी क्योंकि ये थ्योरीज जो मोटिवेशन की थ्योरीज है ना मोटिवेशन से ज़्यादा इन्हें पूछा जाता है ठीक है थीके? तो बेसिकली इन्हें बिल्कुल रट के रखना एंड यस yes, जिसको लगता है कि आंसर कैसे लिखें या कैसे पन्ने भरें तो टिप्स के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है नोट्स का उसमें मैंने क्वेश्चंस आंसर्स दोनों लिखे हैं कि कैसे आप पन्ने भरोगे क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो कैसे कैसे पैराग्राफ्स लिखने हैं आपको ठीक है सो मैसलो की थ्योरी हंसबर्ग की थ्योरी और एक्स वाई थ्योरी बिल्कुल पढ़ के जाना स्किप नहीं करना दस पंद्रह मार्क्स शॉर्ट लॉन्ग मिला के दिला ही देगी ठीक है बेसिकली oh. जो लॉन्ग में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको रीड कर दे रही हूँ जिसमें डिफरेंट होगा वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी एक्सप्लेन द टर्म स्टाफिंग वट फंक्शंस आर कवर्ड अंडर स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एल यू सी टू थाउजेंड सिक्सटीन में ये क्वेश्चन आया था स्टाफिंग में सब आता है रिक्रूटमेंट हो गया सिलेक्शन हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया तो so, जब स्टाफिंग में सब आता है तो स्टाफिंग को डिफाइन करना है और बाकी उसके बाद ये चारों चीज़ें आपको डिफाइन करनी है तो ये आंसर तो ऑटोमेटिकली खुद में ही बड़ा हो गया यार तो मैंने क्या कहा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह इंपॉर्टेंट है देखो तीन बार शॉर्ट में पूछा गया अब इस क्वेश्चन में भी आ गया ना परफॉर्मेंस अप्रेजल घुमा फिरा के तो दीज आर द वेज की एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है तो कितने कितने तरीके से कहाँ कहाँ घुसा दिया जाता है ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज मोटिवेशन

ट्रेनिंग मेथड में ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन भी 2019 का है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल और सिलेक्शन ये तीनों मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाए हैं और तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या तो शॉर्ट में आएंगे या तो अकेले आ जाएंगे लॉन्ग में आ जाएंगे तो ये तीनों अगर याद कर लोगे तो पूरा स्टाफिंग आपको आ ही जाएगा ठीक है डायरेक्टिंग से इतना कुछ खास नहीं आपको याद करना है जितना आपको मोटिवेशन की तीनों थ्योरीज से रटना है ठीक है तो बेटर है कि इन तीनों में से स्टाफिंग के तीनों पॉइंट्स ये आप रट लीजिए एकदम और मोटिवेशन की तीनों थ्योरीज एकदम रट लीजिए अगर लास्ट मोमेंट पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है जब हम यूनिट फोर की बात करते हैं तो यूनिट फोर में हमारे पास जो चीज़ें हैं कंट्रोलिंग है कोऑर्डिनेटिंग है और कम्युनिकेशन है पूरा 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 तो वो बिज़नेस कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा है तो कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो मैं यहाँ नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली एग्जामिनर को भी पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन पूरी बुक पढ़ के आया है बच्चा पेपर भी हो चुका है या होने वाला है जो भी कुछ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो कंट्रोलिंग से आता है या फिर कोऑर्डिनेशन से आता है तो मेरी जो प्रोटिव हमेशा से चली आई है वो ध्यान रखो जब भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए कि डिफाइन जस्टिफाई या फिर सपोर्ट योर आंसर या फिर रीजन गिव रीजन टू योर आंसर हमेशा स्टेटमेंट का एक एक वर्ड पकड़ना एक एक वर्ड चाहे वो जो भी लिखा हो डाइटन लिखा हो प्लानिंग लिखा हो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना और लास्ट में प्रूफ कर देना कि कैसे ये सब रिलेटेड है ठीक है यही तरीका है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बढ़ा के लिखने का और कैसे बढ़ाओगे ठीक है सो so अभी कुछ क्वेश्चन यूनिट फोर के आप देख लीजिए ठीक है शॉर्ट में पूछा गया था टू और नाइनटीन में कंट्रोल का प्रोसेस और कम्युनिकेशन का प्रोसेस फिर वही बात आ गई प्रोसेस ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं कि कम्युनिकेशन से कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा और अगर आएगा तो आपने पूरी कम्युनिकेशन की बुक पढ़ी है ना तो यू कैन गिव दैट ठीक है उसके बाद है जब लॉन्ग में तो डिस्कस द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑल्सो स्टेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल अब इसमें मैंने आपको रिक्वायरमेंट तो पढ़ाई ही नहीं तो कहोगे तुमने तो, तो पढ़ाया ही नहीं रिक्वायरमेंट का मतलब इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ की नीड जरूरत उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से होती है इंपॉर्टेंस याद है इंपॉर्टेंस के रेफरेंस में लिख देना नीड याद है नीड के रेफरेंस में लिख देना ठीक है तो कंट्रोलिंग वाला टॉपिक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉट इज सॉरी वाई इज कंट्रोल अ मस्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट वॉट आर द रिक्विजिट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो मैंशन टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखा कंट्रोलिंग इतना इंपॉर्टेंट है 2017, 2019, 2018 तीनों साल आया है और 2016 में शॉर्ट में आ गया है तो कंट्रोलिंग वाला टॉपिक तो बिल्कुल रट के जाना कोऑर्डिनेशन में ऐसा कुछ खास है नहीं रीड भी कर लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा बस कोऑर्डिनेशन इज़ द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट तो वो एक बार वो लाइन वाला जो पैराग्राफ है वो एक बार पढ़ लेना ठीक है तो यूनिट फोर काफ़ी शॉर्ट सिंपल और जस्टिफाइड सी लगती है ठीक है यूनिट वन और टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इधर और इधर है और बाकी यूनिट्स मिस कर दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तो प्लीज़ यहाँ पर हो जाओ थैंक यू इन स्टेट्यून टू मी